हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब? हम हैं इम्प्रेस बॉटनिकल गार्डन इन हड़पसर। गाइस, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक स्मॉल ट्रिप, स्मॉल पिकनिक कर सकते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड। इस गार्डन का ये है पार्किंग एरिया। सामने जो विंडो है दैट इज अ टिकट काउंटर। पार्किंग जो है वो अवेलेबल है टू व्हीलर, फोर व्हीलर और बसेस के लिए। तो गाइज, आप पार्किंग एरिया से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गार्डन अंदर कितना बड़ा होगा। गाइज, यहाँ का जो प्राइस रेट है दैट इज़ आल्सो वेरी चीप। और हम संडे वाले दिन आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा क्राउड भी ज़्यादा है। यहाँ का जो प्राइसिंग रेट है गाइज, दैट इज़ एंट्री फी जो है वो है 20 रुपीज़, बस पार्किंग के लिए 50 रुपीज़, टू व्हीलर के लिए 10 रुपीज़ और कार एंड रिक्शा के लिए 20 रुपीज़। दैट इज़ वेरी चीप और वेरी फ्रेंडली बजट में हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ये है एंट्रेंस और हमें यहाँ पर टिकट दिखा के अंदर एंट्री करनी है। तो लेट्स गो इनसाइड। तो गाइज, अंदर आते ही हमें दिखाई दिए ये बोर्ड्स जिसपे मेंशन किया हुआ था कि आप इस गार्डन में क्या क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हरियाल बर्ड अवेलेबल है, प्लस स्क्वायरल्स बहुत सारे हैं। उसके बाद ये टाइप के फ्लावर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंगो सीजन में यहाँ पर मैंगोज़ अवेलेबल होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ह्यूज गार्डन है। और ये जो गार्डन है गाइज, इसमें हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी बिकॉज इट्स अ बॉटनिकल गार्डन। तो लेट्स गो। आदि सो एक्साइटेड। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेन एंट्रेंस पे जैसे ही आप एंट्री करते हैं, सामने ही आपको नज़र आएंगे फूड काउंटर्स, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल रहेंगे। आइसक्रीम, पॉपकॉर्न्स और स्नैक्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जूस काउंटर है, फ्रूट काउंटर है और साइड में ये है टॉय ट्रेन। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं कितना ग्रीनरी है इस गार्डन में। और हम आए हैं यहाँ पर गाइज 11 o'clock के टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी धूप भी है यहाँ पर। तो गाइज, ये जो गार्डन है ये फेमस है मोस्टली फोटोशूट के लिए, ना कि सिर्फ फोटोशूट के लिए। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को फुल डे स्पेंड करने के लिए। बहुत ऑसम गार्डन है ये। जो वॉटरी एरिया है ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है और यहाँ का पानी भी बहुत फ्रेश है। बच्चे यहाँ पर पानी में थोड़ी देर इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो सामने वाला एरिया है, यहाँ पर फोटोशूट्स के लिए बहुत सारे क्रॉप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सामने आपको दिख रही है ये ऑटो रिक्शा और सामने चल रहा है एक प्रोफेशनल फोटोशूट। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग है, घोड़ा गाड़ी राइडिंग है, टॉय ट्रेन्स हैं दो टाइप की। उसके बाद गाइज, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी खिलौने भी हैं, जैसे कि आप ये सामने फोटोशूट देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग फोटोशूट्स होते हैं जिसकी परमिशन आपको गार्डन में एंट्री करने से पहले उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। साथ ही साथ गाइज, यहाँ पर प्रोफेशनली फोटोशूट के लिए आपको चेंजिंग रूम्स भी अवेलेबल हैं, जिसका भी प्राइस जो है वो मिनिमम है। यू कैन पे दैट प्राइस और आप चेंजिंग रूम्स भी बुक कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि कितने फोटो शूटिंग यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर छोटे बच्चों की फोटोशूट्स, बड़ों की फोटोशूट्स, प्री वेडिंग शूट्स, बहुत ऑसम शूट्स यहाँ पे चल रहे थे। तो हम लोगों ने भी कुछ फोटोज़ क्लिक की, आदि की फोटोज़ क्लिक की। और ये है चेंजिंग रूम जो मैंने आपको बताया, आपको पे करके यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हो जाती हैं। सो वी एंजॉयड दिस फोटो सेशन। हमने भी इनके बीच में कुछ कुछ फोटोज़ क्लिक कर ली। तो गाइज, अगर आप फोटोशूट का प्लान कर रहे होंगे तो इस गार्डन में बहुत ऑसम जगह है जहां पर आप ऐसे फोटोशूट्स करवा सकते हैं। इसके बाद हमने भी आदि को भी ऐसे ही फोटोशूट के लिए, कुछ क्रॉप्स अवेलेबल थे तो हमने उसको मना के यहाँ पे फोटोशूट के लिए रेडी किया। उसने भी एंजॉय किया यहाँ पर एंड वी हैव फन। इसके बाद हम चल रही है प्ले एरिया की तरफ। बच्चों के लिए इन्होंने एक सेपरेट प्ले एरिया बना रखा है जहाँ पर ऐसे
खिलौने हैं टाइप, लाइक वॉटरी गेम, स्लाइडिंग्स और झूले वगैरह हैं जहाँ पर बच्चे अपना फुल इंजॉय कर सकते हैं। आदि लव दिस एरिया, और उसने यहाँ पे हर झूला खेलने की पूरी कोशिश की एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम हियर गाइस। तो देखिए आदि ने हर स्लाइड इंजॉय की। हर झूले पे आदि को बैठना था एंड झूले भी गाइस बच्चों के हिसाब से थे, तो बच्चों को भी मजा आ रहा था। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है, इंक्लूड लाइक आपने जो एंट्री फी दी है उसी में ही ये सारे क्रॉप्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आदि ने ये ट्रैकिंग भी किया एंड ही सो एक्साइटेड कि मुझे ये भी खेलना है वो भी खेलना है। एंड आदि इज हैविंग वेरी फन गाइज। झूले पे आदि को चढ़ना होता था एंड ही इज इंजॉइंग दिस प्ले एरिया। उसको यहाँ से निकलना ही नहीं था, बट ये गार्डन बहुत ही बड़ा है अगर आप एक्सप्लोर करें तो। यहाँ पर कुछ पेड़ वाले झूले भी थे लाइक ट्रेन। ये एक अच्छी जगह लगी गाइज। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए गार्डन बनाया हुआ था, नाना नानी पार्क, जहाँ पे 60+ जो हैं उनके लिए बना रखा था। बिकॉज ऑफ शांति एंड ऑल दे विल गेट पीस हेयर इन दिस स्मॉल गार्डन। एक ऐसे सेपरेट पार्ट सा बनाया था जहाँ पर वो लोग आके रिलैक्स कर सकते। ये यहाँ का कैफेटेरिया है जहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमने यहाँ पे इंजॉय किया था वड़ा पाव, एकदम गरम गरम वड़ा पाव हमें सर्व किया गया था। और प्राइस रेट अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल है, 20 रुपीज़ का वड़ा पाव, भजे, पाव भाजी और लाइक पुलाव एंड ऑल यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पे लाइव किचन है तो आपको गरम गरम बना के मिलता है। और अभी हम थक चुके थे तो हमने यहाँ पे इंजॉय किया। उसके साइड में ये बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पर फोटोशूट अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल फोटोशूट अलाउड नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने लाइक नर्सरी टाइप कुछ मतलब प्लांटेशन वगैरह किया है और रिसर्च वगैरह चलता है। तो अंदर एंट्री जो है, एंट्री है बट आप फोटो शूट नहीं कर सकते। दिस इज अ बाम्बू ट्री और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी आवाज आ रही है। तो गाइज यहाँ पर जो है प्लांटेशन चल रहा है और नर्सरी टाइप इन लोगों ने बना रखा है। यू कैन तो गाइज यहाँ पर एक फ्लावर एग्जीबिशन भी होता है जनवरी एंड के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी फोटोशूट अलाउड नहीं था बट हम लोगों ने उनसे परमिशन लेके सिर्फ इतना ही फोटोशूट किया है। आदि लव्स फ्लावर तो वो पर्टिकुलर फ्लावर्स देखने जा रहा था एंड वी कैप्चर अ रील हियर। तो आप हमारी रील हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आदि लव्स दिस। तो यहाँ पर गाइस बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स भी थे। बेस्ट पार्ट था यहाँ पर जगह जगह ऐसे डस्टबिन बने हुए थे ताकि क्लीनलीनेस जो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पर गाइस रेन डांस भी था, 30 रुपीज़ पर टिकट। ये पेड एरिया था, यहाँ पर आपको पे करके कुछ एक्टिविटीज आप कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर ओपन स्पेस इतना था कि गाइस देखिए आप सामने क्रिकेट का मैच चल रहा है। एक ऑफिस की टीम या फिर कोई फ्रेंड्स सर्कल आए हुए हैं जो कि यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद बैडमिंटन लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना ओपन स्पेस है। यहाँ पर आप अपने टॉयज लाके और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। सामने ऐसा जो हट बना हुआ है दैट इज़ फॉर रिलैक्सेशन। जगह जगह ऐसे हट बने हुए थे जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो और यहाँ की शांति का मज़ा उठा सकते हो। ये टॉय ट्रेन आपको पूरे गार्डन में घुमाने के लिए थी, आप ये इसकी राइड भी एंजॉय कर सकते हो। कुछ पेड राइड्स भी थी, हेलीकॉप्टर और ट्रेन राइडिंग भी था जिसका मजा आदि उड़ जाओ पर लिया। आदि
तो गाइज आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा गाइज, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरा चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो उस पर भी क्लिक कीजिएगा। ये है ट्रेन जो कि पेड़ थी, इसमें भी हमने इंजॉय की राइड। आदि लव दिस। तो गाइज यहीं पे मैं अपना वीडियो इस राइड के साथ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइज प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि नया वीडियो बनाने के लिए गाइज हमें और प्रोत्साहन। थैंक यू एंड बाय।